ईमानदारी अभी भी जिंदा है, इसी का उदाहरण अजमेर में देखने को मिला, जहां अजमेर पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात कांस्टेबल सरदार सिंह ने इसी ईमानदारी का परिचय देते हुए सड़क पर मिले पर्स को उसके मालिक तक पहुंचा दिया। दरअसल कांस्टेबल सरदार सिंह ने अपना परिचय को जनाना अस्पताल में खाना देने गया था। इसी दौरान अग्रसेन सर्किल से गुजरते वक्त उसे सड़क पर एक पर्स मिला, जिसमें मिले दस्तावेज के नंबर पर अजमेर के निकटवर्ती गांव बड़लिया निवासी अमर सिंह को संपर्क किया गया। पहचान साबित होने पर कांस्टेबल सरदार सिंह ने ईमानदारी का परिचय देते हुए नकदी और दस्तावेज से भरा पर्स अमर सिंह को वापस लौटा दिया। मैं सर जनाना हॉस्पिटल में किसी को खाना पकड़ा के वापस आ रहा था ड्यूटी पे, लगभग 2 बजे के लगभग। जब मैं ड्यूटी अग्रसेन सर्किल से स्वामी कॉम्प्लेक्स होते हुए आ रहा था, तो मुझे एक पर्स मिला। पर्स में मतलब जिसका पर्स खोया उसका आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और 2 ATM कार्ड थे और 1400 रुपये थे उसके अंदर। और उसके अंदर एक चालान की कॉपी थी, जिसके अंदर उसके जिनका पर्स खोया उनके नंबर लिखे हुए थे, मोबाइल नंबर। और जब उन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क किया गया तो आधार कार्ड में जो नाम थे वही नाम उसने बताया। फिर अगले को यहाँ पे बुला के कंट्रोल रूम बुला के और सारी जानकारी लेके कि पर्स में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, लगभग उन्होंने सही बताया था। उन्होंने 1200 रुपये के लगभग बताए थे, लेकिन उसमें 1400 रुपये थे। तो ये सब जानकारी सही पाए जाने पर पर्स उसको वापस किया गया। बल्लिया का रहने वाला है, मंगल सिंह नाम है सर उनका। हाँ, आपने संभला दिया? हाँ सर, संभला दिया। ठीक है, आपका नाम? सरदार सिंह, कॉन्स्टेबल सर। तो रास्ते में सर मम्मी बोली कि मैं चाय पीऊँगी, तो वहाँ सर चाय पीने के लिए रुका था मैं। तो चाय पीने के बाद सर पैसे लेने के लिए देखा तो प्रश्न था जी। जी, फिर क्या हुआ? तो सर फिर मैं घर पे मम्मी को छोड़ के वापस आ रहा था रास्ते में, फिर भैया किसी का फ़ोन आया था कि भैया आपका पर्स गुम गया। मैं कहा सर, तो सर आप यहाँ पे आ जाओगे, आपके मेरे पास है पर्स। क्या क्या था पर्स में? सर पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 ATM थे और 1400 रुपये थे उसमें पैसे। पूरा मिल गया सर? पूरा मिल गया। किन्होंने दिया था आपको? सर वो सरदार जी ने दिए थे। तो हाँ जी, कहाँ पे दिया? नहीं दिया था सर, ऑफिस में। अटल से बोलो? हाँ।